बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे असाइनमेंट स्टेटमेंट के बारे में कि असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या है। असाइनमेंट स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें आप किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं। हम स्टेटमेंट के बारे में जानते हैं एक सिंपल इंस्ट्रक्शन जिसमें आप एक कंप्लीट इंस्ट्रक्शन पास ऑन कर रहे हैं अपने कंपाइलर को, उसे हम स्टेटमेंट कहते हैं। और असाइनमेंट स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें आप किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं। असाइनमेंट स्टेटमेंट के लिए जो ऑपरेटर आप यूज करते हैं वो है असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी इज इक्वल टू का साइन। इसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। और असाइनमेंट स्टेटमेंट में आप हमेशा असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हुए ही वैल्यूज असाइन करते हैं। तो आइए देखते हैं कि असाइनमेंट स्टेटमेंट्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं। लेट्स से कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप ए, और आप कहते हैं ए इज इक्वल टू 10। ये एक असाइनमेंट स्टेटमेंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट तो जरूर है लेकिन इसमें आप कोई वैल्यू असाइन नहीं करें। लेकिन यहाँ पे आप वेरिएबल ए में 10 की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, सो इट इज एन असाइनमेंट स्टेटमेंट एग्जाम्पल। हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ए और इसमें एक वैल्यू स्टोर कर देते हैं 10, यानी इसे इनिशियलाइज भी कर रहे हैं साथ ही आप। और आप एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं बी, और फिर आप कहते हैं बी इज इक्वल टू ए। ये एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है क्योंकि इसमें आप वेरिएबल बी को एक वैल्यू असाइन करें जो कि वेरिएबल ए में स्टोर्ड है। यहां पर ये जो ऊपर स्टेटमेंट है, यहां पे आप वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर रहे हैं और इनिशियलाइज भी कर रहे हैं। तो ये जो सेक्शन है, ये वाला हिस्सा, ये एक्चुअली असाइनमेंट स्टेटमेंट के ऊपर ही मुश्तमिल है। तो जब भी आप सिंगल इक्वल साइन किसी भी स्टेटमेंट में देखते हैं तो वो आपके लिए असाइनमेंट स्टेटमेंट होगी। और असाइनमेंट स्टेटमेंट का सिंटेक्स ये है कि हमेशा जो इज इक्वल टू का साइन है, इसकी लेफ्ट साइड पे आपका वेरिएबल आएगा और राइट साइड पे आपकी वो वैल्यू आएगी जो आप असाइन करना चाहते हैं।